हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ आयुषी, आपकी दोस्त। सो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ट्री। सो नाम से तो सुन के बहुत इजी लग रही है, पर देखते हैं इसमें एक अच्छी अप्रोच है जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, जो मतलब मोस्टली लोगों को नहीं आती होती। तो ठीक है, चलो देखते हैं। सो प्रॉब्लम है कि BST दिया हुआ है और हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है ट्री में से। यू में अज्यूम कि जो के है वो 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ नोड्स BST में जितने उतना हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको ये ट्री दिया है और के दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि प्रॉब्लम क्या है। सो ये वाले टेस्ट केस देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है। ये ट्री दिया हुआ है, BST दिया हुआ है, और इसमें हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट, पहला स्मॉलेस्ट तो 1 है, और फिर टू है, और फिर 3 है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट है 2। तो आउटपुट में, इसके आउटपुट में देखो, इसके आउटपुट में 2, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने एक और टेस्ट केस लिया था, तो ये वाला टेस्ट केस है, इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सो हमारे पास के है, लेट्स से 4। तो हमें बताना है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो यार, इसमें अगर तुम सबसे स्मॉलेस्ट देखोगे वो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3, और फिर 4। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट तो 4 ही है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए 4, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं कि इसे अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ मुझे आउटपुट लिखने दो। आउटपुट इसकी होनी चाहिए 4। देखो ये BST दिया हुआ है गाइस, BST। और अगर तुम्हें BST का पता है कि अगर हम BST का इन ऑर्डर निकालेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, तो हमें वो एक सॉर्टेड एरे मिलता है, ठीक है। ये BST में होता है, तुम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो तो तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में ये जो नोड्स हैं मिलेंगी। तो अगर इसका मैं इन ऑर्डर लिखूं, ठीक है, इसका इन ऑर्डर लिखती हूँ यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट, और फिर राइट, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें इन ऑर्डर पता होगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट पे जाते हैं, फिर रूट पे जाते हैं, और फिर राइट पे। तो इसका जब इन ऑर्डर निकालेंगे तो कुछ इस तरह तुम्हें ये पूरा एरे मिल जाएगा सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब तुम्हें देखो, सिंपल सी बात है, अब तुम्हें अगर ये सॉर्टेड एरे मिल गया है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें kth स्मॉलेस्ट निकालना है। तो अगर तुम इसकी इंडेक्सिंग करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो kth स्मॉलेस्ट होगा वो कहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। मतलब kth यहाँ पे k क्या है, 4 है। तो हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या है, थर्ड इंडेक्स पे है ना, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में एरे है। तो ये सबसे ये थर्ड थर्ड फोर्थ स्मॉलेस्ट है ना नंबर, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें अगर ये सॉर्टेड एरे मिल गया तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो तुम्हारा इस एरे का, लेट्स से ये ए नाम का एरे है, तो ए ऑफ के माइनस 1 इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो के माइनस 1 इंडेक्स पे तुम्हारा जो आउटपुट है वो पड़ा होगा। तो तुम सीधा वो रिटर्न करा सकते हो अगर तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में एरे मिल गया। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। देखो ये अप्रोच तो सारी बता देंगे, जिसको ये पता होगा कि BST अगर दिया हुआ है और उसको इन ऑर्डर में निकाले तो सॉर्टेड मिलेगा, तो ये अप्रोच तो सारे ही कर लेंगे। तो इसका अगर कोड दिखाऊं तो ये इन ऑर्डर लिखा हुआ है, रिकर्सिव, ठीक है। उसमें क्या कर रही हूँ, मैं एक लिस्ट पास करती हूँ जो मेरे को इन ऑर्डर वैल्यू ऐड कर देता है लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट में अपेंड कर देता है रूट को, और फिर पहले लेफ्ट पे जाता है, फिर रूट को लिस्ट में डाल देता है, और फिर राइट पे जाता है। तो बेसिकली ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करती हूँ, जो लिस्ट आती है सॉर्टेड लिस्ट बन के, ठीक है, उसका B-1 इंडेक्स रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच है ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन स्पेस और टाइम, ठीक है। तो तुम्हारा ओ ऑफ एन स्पेस होगा कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन, ठीक है। अब हम इसको एक दूसरी अप्रोच देखते हैं जो कि मतलब इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। और बेसिकली अगर तुमने वो अप्रोच बताई इंटरव्यू में तो तुम्हारा मतलब इंटरव्यू को भी पता लगेगा कि हाँ इसको पता है कॉन्सेप्ट का। तो मैं यहीं पे करती हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम बस अभी पता है दूसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें हम इन ऑर्डर निकाल रहे हैं रिकर्सिवली, ठीक
ठीक है, हमको हम क्या करते हैं, हम पूरा ये पूरी ये लिस्ट बनाते हैं, लंबी सी लिस्ट, ओ ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, हम ये पूरी लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम सारे एलिमेंट स्टोर कराते हैं ट्रीज के, ठीक है, और फिर हम उसमें से जो एलिमेंट होता है के माइनस वन इंडेक्स पे वो निकालते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें ये पूरी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ इतने एलिमेंट से मतलब है, जब हमें हमारा के मिल गया, मतलब केथ एलिमेंट मिल गया, क्योंकि हमें केथ स्मॉलेस्ट ही चाहिए, तो हमें केथ मिल गया तो हम बस वहीं से रिटर्न करा देंगे, हमें आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं, मतलब आगे का काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इससे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आइट्रेटिवली इन ऑर्डर चलाएंगे, ठीक है, रिकर्सिवली इन ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें मतलब वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं तुम्हें आइट्रेटिवली बताऊंगी कि तुम आइट्रेटिवली इन ऑर्डर, तो इस मतलब यहाँ से तुम दो चीजें सीख पाओगे, एक तो कि मतलब के पॉइंट पे कैसे रोकना है, और दूसरा कि आइट्रेटिवली इन ऑर्डर कैसे करना है, ठीक है। जनरली हमें रिकर्सिवली वे आता है, तो आइट्रेटिवली देखते हैं कैसे करेंगे इन ऑर्डर। तो देखो मैं क्या करूंगी ना, एक स्टैक लूंगी, क्योंकि इसके लिए हमें स्टैक चाहिए होता है, तो तुम अभी मैं ड्राई रन करूंगी, ठीक है, कोड हम बाद में देखते हैं, बट एक बार ड्राई रन समझ लो, एक स्टैक ले लेंगे। तो इन ऑर्डर में बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा होता है लेफ्ट, फिर रूट होता है, और फिर राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा रूट है 7 पे, इनिशियली मैं क्या करूंगी ना, मैं पूरे जो एंड तक लेफ्ट के चले जाऊंगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडियली पहला ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, और चौथा ये है, बेसिकली हमारा ये है जो हमें चाहिए। तो क्या होगा, हम बेसिकली इन ऑर्डर कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर में सबसे लेफ्ट पे जाते हैं पहले। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ से क्या करूंगी ना, रूट मेरा यहाँ है, मैं ट्रेवर्स करूंगी, तो रूट इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले क्या करेंगे करंट ले लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे पूरे एंड लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट पे जाऊंगी ना, मैं यहाँ से लेफ्ट पे गई, मैं यहाँ से लेफ्ट पे गई, तो मैं ये रूट की वैल्यू स्टोर कराती रहूंगी स्टैक में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 7 पे हूँ, तो मैं 7 की वैल्यू क्या करूंगी, मेरा करेंट में 7 है, ठीक है, करेंट मेरा रूट है, ठीक है, तो करेंट में 7 है, तो मैं क्या करूंगी स्टैक में अपेंड कर दूंगी करेंट को, ठीक है। तो मेरे स्टैक में आ गया 7, और फिर मैं क्या करूंगी, करेंट इज इक्वल टू करेंट का लेफ्ट। अभी तुम समझो ड्राई रन कैसे कर रही हो, तुम्हें समझ आ जाएगा अल्टीमेटली कि क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, 7 को मैंने स्टैक में डाल दिया, और अब मैंने करंट लेफ्ट को करंट बना दिया। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे ये जो है ये करंट है, ठीक है, इसको करंट ले लो। तो अब मेरा करंट 7 से कहाँ जाएगा, 7 के लेफ्ट पे, यानी 5 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट का लेफ्ट को करंट बना दिया, तो अब मेरा करंट जो होगा वो बन जाएगा 5, ठीक है। फिर से मैं यही चीज करूंगी, मैं 5 को स्टैक में डाल दूंगी, और मैं 5 का लेफ्ट को करंट बना दूंगी, तो 5 का लेफ्ट क्या 2, सो अब 2 हमारा बन जाएगा करंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब फिर से वही करूंगी, 2 को स्टैक में डालूंगी, और 2 का जो लेफ्ट है यानी 1, उसको करंट बना देंगे, तो करंट हमारा बन जाएगा 1। अब देखो अब क्या होगा, मैं 1 को क्या करूंगी स्टैक में डाल दूंगी फिर से, और 1 का जो लेफ्ट है वो करंट बन जाएगा, तो 1 का लेफ्ट क्या है नन, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा नन, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा नन, ठीक है। अब करंट नन हो गया। देखो एक चीज है इसमें, अब देखो तुम्हारा करंट जो है नन हो गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मतलब इतना पता है कि अब लेफ्ट पे कुछ नहीं होगा, अब मैंने ये नोड प्रोसेस करनी है, ये वाली नोड, और इस नोड के बाद मुझे राइट पे जाना है, ठीक है। यही होता है इन ऑर्डर में, कि इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पूरा कर लेते हो, फिर उसके बाद रूट को देखते हो, और फिर राइट पे जाते हो, है ना। तो लेफ्ट तुम्हारा नन हो गया, मतलब अब तुम्हारा नन आ गया, इसका मतलब अब तुम्हें लेफ्ट पे कुछ नहीं मिलेगा, रूट को प्रोसेस करके राइट पे जाओ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा करंट में कुछ वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे करंट में कुछ वैल्यू थी, तो हम क्या करते थे, हम ये स्टेप्स करते थे, ये दोनों स्टेप्स। जब मेरे करंट में कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगी। तो अभी इनिशियली करंट में नन है, ठीक है, करंट में क्या इनिशियली अभी अभी नन है। तो
क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, जब हमारा जो हमारा करंट है वो नन हो जाएगा तो हम स्टैक में से पॉप करेंगे। स्टैक में से पॉप किया, सो लिखेंगे स्टैक डॉट पॉप। जो स्टैक में से पॉप करेंगे ना उसको हम करंट बना देंगे। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देती हूँ, और यहाँ पर जो हमारा करंट है वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा स्टैक के पॉप। ठीक है, तो करंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा 1, पॉप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि देखो अब ये जो 1 है हमारा, ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि हमें हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट निकालना है, हमें एक स्मॉलेस्ट मिल गया, तो अब कितने और स्मॉलेस्ट, कितने और बाकी है निकालने, 3 और निकालने। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से पॉप किया तो मैं क्या करूँगी ना, मैं अपना जो के है उसकी वैल्यू को भी एक रिड्यूस कर दूंगी, क्योंकि मेरा एक कंसीडर हो चुका है, मैंने एक एलिमेंट मेरे को मिल गया स्मॉलेस्ट वाला। और जब मेरा के 1 से माइनस करूंगी, मैं चेक करूंगी कि आ के 0 बन गया है। ठीक है, अगर के 0 बन गया है, इसका क्या मतलब है कि मुझे मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल चुका है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी करंट डॉट वैल्यू, जो करंट है। नहीं तो अगर के 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली मिडल वाली रूट कंसीडर कर ली, अब इसके बाद हमारा काम है राइट पे जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे करंट को अब क्या करो, हमने रूट पे काम कर दिया, ये रूट पे काम कर दिया, करंट को राइट पे ले जाओ, करंट का राइट, अब करंट करंट का जो राइट है उसे करंट बना दो। तो ये हमारा एल्स पार्ट में होगा, तो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। देखो ठीक है, क्या किया, 1 1 हमारा पॉप किया था, स्टैक से पॉप किया, के की वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो के था 4। ठीक है, मैंने के कहाँ लिखा था, अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, के यहाँ पे इसको थोड़ा इस साफ करती हूँ, और के को यहाँ लिख देती हूँ, के इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, जब मैंने यहाँ से स्टैक में से निकाला, 1 को निकाला स्टैक में से, के की वैल्यू एक कम कर दी, क्योंकि जो मेरा 1 निकला है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट था स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो वो मैंने कंसीडर कर लिए, के मेरा अभी भी 0 नहीं हुआ, के 3 पड़ा है, तो करंट को अब क्या कर दूंगी, करंट राइट, तो 1 का क्या है, 1 का राइट क्या है, 1 का राइट है नल। ठीक है, तो करंट पहले 1 था, अब क्या बन जाएगा, नल। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, करंट अभी फिर से नल आ गया तो वो एल्स में जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, स्टैक का पॉप होएगा, तो करंट क्या बन जाएगा, स्टैक का पॉप 2 पॉप हो जाएगा, और करंट बन जाएगा 2। तो देखो तुम ये देख रहे हो कि हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमने पहले 1 के लेफ्ट पे गए, फिर 1 को किया ट्रेवर्स, फिर 1 के राइट पे देखा कुछ नहीं था, फिर उसके बाद अब वापस 2 पे आ गए। ठीक है, अब 2 से 2 पे प्रोसेसिंग करके 3 पे जाएंगे, वो देखो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 पे आ गए, के को एक रिड्यूस कर दिया, और के 0 नहीं हुआ है, और अब क्या करेंगे, 2 को प्रोसेस करके 2 का जो राइट है उसको करेंट में डाल देंगे, 2 का राइट के 3, तो करंट को क्या बना, करंट को बना दो 3। ठीक है, करंट को बना दिया 3, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ओके, करंट 3 बन गया। अब क्या करेंगे, फिर से लूप चलेगा, अब जो करंट है वो नन नन नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे, इफ में जाएंगे, स्टैक में अपेंड कर देंगे करंट को, 3 को अपेंड कर दिया, देखो 3 जो नया नया रूट आता है ना उसको अपेंड कर देते हैं यहाँ पे, 3 को अपेंड कर दिया स्टैक में, और फिर क्या किया, उसके लेफ्ट पे गए, 3 के लेफ्ट पे गए, तो करंट को 3 का लेफ्ट बना दिया, 3 का लेफ्ट क्या है, नन, तो करंट फिर से नन हो गया। तो जब करंट नन हुआ तो ये जो एल्स है इसमें गए, है ना, करंट तो नहीं है, एल्स में गए, स्टैक में से पॉप किया और उसको करंट में डाल दिया, तो 3 स्टैक से पॉप हुआ और 3 को करंट में डाल दिया, तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 3 जो है के को माइनस कर दिया, तो के 1 रह गया, अभी भी के 0 नहीं हुआ है, और 3 का जो अब राइट है उसको करंट में डाल दो, 3 का राइट क्या, 4, उसको करंट में डाल दिया, 4 बन गया। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगा, करंट जो है अभी 4 है, तो क्या करेंगे, 4 को स्टैक में डाल देंगे, 4 को स्टैक में डाल देंगे, और 4 के लेफ्ट पे चले जाएंगे, 4 का लेफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 का लेफ्ट नन हो गया। ठीक है, करंट नन बन गया, तो करंट जब नन बना फिर से हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, करंट स्टैक से पॉप करेंगे, स्टैक से पॉप किया, करंट क्या बन गया, 4,
और k की वैल्यू 0 कर देंगे माइनस, तो ये k की वैल्यू बन गई 0। अब जब k की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और हम क्या कर देंगे, करंट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, 4 की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरह हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये मैंने तुम्हें ड्राई रन बताया, पर ये बताने का बस एक यही रीजन है कि तुम्हें पता लगे इंटरनली कैसे काम कर रहा है इन ऑर्डर। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब तक करंट को इनिशियली रूट बनाते हैं और पूरा लेफ्ट तक जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट पे जाते हैं वैसे वैसे जो ये रूट की वैल्यू होती है ना, ये 7, 5, 2, इनको स्टैक में डालते रहते हैं, ये वाला काम करते हैं। जब ये वाला काम हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके रूट पे जाते हैं, ठीक है, ये जो रूट स्टैक में डाला होता है ना उसको निकाल कर उस पे प्रोसेसिंग करके, ये माइनस वगैरह करके, फिर हम उसके राइट पे ट्रेवर्सल करते हैं, फिर राइट पे जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, लेफ्ट पे जाएंगे पूरा लेफ्ट मोस्ट तक, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम के तो बेसिकली हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि पहले पूरे लेफ्ट पे जाते हैं और फिर रूट को पे प्रोसेसिंग करके राइट पे पूरा जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर इसका कोड देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका कोड देखो, रूट ले लिया, ठीक है, ए की वैल्यू रूट में डाल दी, स्टैक ले लिया एक, जब तक हमारा रूट है और स्टैक खाली नहीं है तब तक क्या करो, जो हमारा रूट अगर है तो स्टैक में वैल्यू डालो और आगे लेफ्ट पे जाओ, अगर रूट नहीं है तो क्या करेंगे हम स्टैक में से वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू कम करेंगे, मतलब यहाँ पे बी है, और फिर बी इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो रूट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो राइट पे चले जाएंगे, और एट लास्ट अगर तुम्हें केयत है ही नहीं तो तुम रिटर्न कर दो नल। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा, एक बार सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पास हो गया है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।